नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो के बाद आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूरी तरह से जान पाएंगे और उस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस लेवल पर करना चाहिए, किस प्राइस पर करना चाहिए, सारी चीज़ें आप जान जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें, हमारे चैनल पर अब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। तो हमारे चैनल पर जाइए, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोज को देखिए और सीखिए और अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें शुरुआत करें, स्टॉक मार्केट में चाहते हैं तो उसे सीख करके तब स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के फंडामेंटल्स के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो फंडामेंटल्स है वो क्या है, बिजनेस कैसा है, बिजनेस में कैसा ग्रोथ है, किस किस सेगमेंट से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रेवेन्यू आता है, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ऑन करता है बिजनेस अक्रॉस इंडिया। इंगेज्ड है यह किस में, एनर्जी में, पेट्रोकेमिकल्स में, टेक्सटाइल में, नेचुरल रिसोर्स में, रिटेल में और टेलीकम्युनिकेशन में। तो कुछ ये मेजर सेक्टर्स हैं जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बिजनेस हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको कुछ डिटेल बता दें कि मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज इन इंडिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है इंडिया का। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है पब्लिकली ट्रेड करने वाले सबसे लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है और कभी कभी TCS इससे थोड़ा ज़्यादा आगे निकल जाती है, तो इस दोनों में कंपटीशन चलता रहता है। उसके बाद है कि जो लार्जेस्ट कंपनी है बाय रेवेन्यू, तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वाली कंपनी है और इट रैंक्स 106th रैंक ऑन दी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। जो फॉर्च्यून का ग्लोबल 500 लिस्ट है कंपनी का, उसमें 106th रैंक है पूरे वर्ल्ड में। तो समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारे देश की, इससे आप समझ सकते हैं। उसके बाद है हमारा इट रैंक थर्ड अमंग द टॉप जो हमारा है 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी। जो ग्लोबल एनर्जी कंपनी है उसमें तीसरा रैंक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। तो इस तरह समझ सकते हैं रिलायंस जो एक बहुत बड़ी कंपनी है और हमारे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। उसके बाद रिलायंस इज़ द इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, अबाउट 8% इसका एक्सपोर्ट है और इन 108 कंट्रीज़ में इसका एक्सपोर्ट होता है और 8% एक्सपोर्ट अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज करता है। ये थोड़ा पुराना डाटा है, जो अपडेट होगा डाटा वो इससे कम या ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है कंट्रीब्यूट करता है 5% ऑफ इंडियाज़ टोटल रेवेन्यू। इंडिया का जो टोटल रेवेन्यू है उसका 5% रिलायंस इंडस्ट्री अकेले कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री बिकम द फर्स्ट इंडियन फर्म टू क्रॉस 9 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन और 10 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो 9 लाख और 10 लाख मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस करने वाली इंडिया की पहली इंडस्ट्री है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आप समझ सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है जो कि 9 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन और 10 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस कर चुकी है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो ऐसी कंपनियां जब भी आपको चीप वैल्यूएशन मिलते हैं, जब भी इनके स्टॉक्स आपको नीचे के प्राइस में मिलते हैं, तो आपको ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद जो इसके मुख्य बिजनेस है उसमें से पहला है रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग, मतलब ये पेट्रोलियम जो होते हैं उसके रिफाइन करती है और उसके मार्केटिंग भी करती है। उसके बाद है पेट्रोकेमिकल्स, ये पेट्रोकेमिकल्स के कारोबार में भी है। फिर ऑयल एंड गैस। तो पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का यही तीन मुख्य कारोबार था, लेकिन अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है बहुत सारे बिजनेसेस को भी कर रही है, जैसे रिटेल बिजनेस। अभी रिलायंस का जो जियो जो है, रिलायंस जियो, वो फेसबुक के साथ डील की है जो कि रिटेल बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। मतलब व्हाट्सएप के मदद से ये अपने रिटेल बिजनेस को बढ़ाएगा। व्हाट्सएप पर ई कॉमर्स बिजनेस के तहत छोटे छोटे जो दुकानदार है उसे रजिस्टर्ड किया जाएगा और वहाँ से आप व्हाट्सएप के थ्रू जो है प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे। तो समझते हैं रिलायंस जो ई कॉमर्स सेक्टर में भी आ रहा है, अपने रिटेल बिजनेस को भी बढ़ा रहा है, साथ ही साथ इसका जो डिजिटल सर्विस है उसका अकेले कंट्रीब्यूशन जो है अब 5 लाख करोड़ का हो चुका है। मतलब जो जियो है हमारा, जो कि अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही सब्सिडरी कंपनी है, तो जियो का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5 लाख करोड़ है।
तो समझ सकते हैं जो रिलायंस का इधर का सिल्वर लेक के साथ डील हुआ है तो उसमें 5 लाख करोड़ वैल्यूएशन माना गया है रिलायंस जियो का। तो रिलायंस जियो जो डिजिटल सर्विस है रिलायंस का, मतलब जो सब्सिडी कंपनी है रिलायंस का, उसका वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ हो चुका है। उसके बाद आता है मीडिया। मीडिया में भी जो CNBC टीवी देखते हैं आप, जो हमारा नेटवर्क 18 है, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट है, ये सारे जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का उसमें मेजर स्टेक है। तो समझते हैं मीडिया सेक्टर में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, तो ये प्रमुख बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बिजनेस के बारे में जानना बहुत ही बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के कुल 158 सब्सिडरी कंपनीज है और 7 एसोसिएट कंपनीज है, लेकिन ये डाटा बहुत ही ओल्ड है, मतलब ओल्ड। आप जब गूगल में सर्च करेंगे तो आपको 158 सब्सिडरी और 7 एसोसिएट कंपनीज का लिस्ट आ जाएगा, जो कि बहुत ही पुराना लिस्ट है। रिलायंस के और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस लाइफ साइंस, रिलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस, रिलायंस लॉजिस्टिक, रिलायंस क्लिनिकल रिसर्च सर्विसेज, रिलायंस सोलर, रिलायंस रिलिकॉर्ड, रिलायंस इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नेटवर्क 18। तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं, कुल 158 सब्सिडरीज है, 7 एसोसिएट है। यह देख सकते हैं हम रिलायंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहां पर देखते हैं रिफाइनरी एंड मार्केटिंग, रिलायंस के जो मेजर सेगमेंट्स है उसके बिजनेस में दिखाते हैं क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लार्जेस्ट सिंगल साइट रिफाइनरी विथ रोबस्ट कॉन्फिगरेशन। तो देख सकते हैं कि रिलायंस के यहाँ पर आप सारे जो मेजर बिजनेस है उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं रिटेल के बारे में, ऑपरेट्स ऑन मल्टीपल स्टोर कंसेप्ट मॉडल टू सर्व डिफरेंट कस्टमर्स। तो यहाँ पर फिर डिजिटल सर्विसेज के बारे में आप पढ़ सकते हैं, फिर पेट्रोकेमिकल्स के बारे में देख सकते हैं। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो मेजर बिजनेस है उसके बारे में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और नीचे हम आते हैं तो देखिए यहाँ ऑयल एंड गैस मीडिया, तो यहाँ पर देखते हैं हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो विथ प्रेजेंस इन कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज, ऑयल गैस के बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। फिर मीडिया के बारे में यहाँ पर देखते हैं कैटेगरी लीडिंग डिजिटल प्रॉपर्टीज इन फाइनेंशियल सर्विस, एंटरटेनमेंट, न्यूज़। तो ये सारे कैटेगरीज हैं मीडिया में जिसमें रिलायंस का बहुत ही अच्छा प्रेजेंस है। तो यहाँ पर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो मेजर बिजनेसेस है उसके बारे में आकर के reliance.com पर आकर के आप पढ़ सकते हैं और इसके जो प्रमुख बिजनेसेस है उसके बारे में आप यहां पर जान सकते हैं। अब हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हमने जान लिया कि रिलायंस किस तरह का बिजनेस करती है, रिलायंस के क्या है। अब हम इसके टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं। अब हम इसके टेक्निकल चार्ट पे आ चुके हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वन डे पर अभी चार्ट देखेंगे तो देख सकते हैं रिलायंस 17 पॉइंट्स अप है। अभी करेंट मार्केट प्राइस है रिलायंस का 1453 रुपीज़, और इसमें जो है एक बहुत ही तेज़ मूवमेंट अभी आसपास के दिनों में देखा गया है और ये अपना 52 वीक हाई 1612 रुपीज़ का बना चुका है। और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं कि 0.45% का है, कुछ खास नहीं है डिविडेंड यील्ड। और यहाँ पर मार्केट कैप देख सकते हैं 9,87,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिसको हम ट्रिलियन में देख सकते हैं 9.87 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है रिलायंस का। और पी रेशियो देख सकते हैं 23 का है, मतलब 23 का पी रेशियो है, जो कि अभी का जो मार्केट, अभी जो मार्केट का सिनेरियो है उसके अनुसार थोड़ा हाई है। तो ये आपने देख लिया। अब हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देख लेते हैं, रिटर्न कैसा रहा है। वन मंथ में देख सकते हैं, वन मंथ में रिलायंस बहुत ही अप है, यहाँ से देख सकते हैं वन मंथ में रिलायंस अप्रॉक्स 35% अप है। उसके बाद आप देखते हैं सिक्स मंथ का चार्ट, तो सिक्स मंथ में यहाँ रिलायंस में बहुत ही शार्प करेक्शन बीच में देखा गया था और ये नीचे अपना 1000 से भी नीचे, मतलब 900 से भी नीचे जा चुका था, 872 रुपीज़ का ये स्टॉक हुआ करता था। फिर यहाँ से ईयर टिल डेट का यहाँ प्राइस दे सकते हैं, ईयर टिल डेट में भी चार्ट कुछ खास नहीं है। वो आप बात करते हैं 5 ईयर्स का, 5 ईयर्स में देख सकते हैं कितना बेहतरीन चार्ट है, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है, एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। फिर लॉन्ग टर्म चार्ट में देखेगा तो एक बार 2008 के क्राइसिस में भी रिलायंस में भारी गिरावट हुआ था और इस बार के क्राइसिस में इसमें भारी गिरावट देखने मिला था और फिर ये अपने प्राइस को रिकवर कर चुका है। तो ये था कुछ लॉन्ग टर्म के चार्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अभी रिलायंस में आपको क्या करना चाहिए।
तो ये देख सकते हैं, ये ब्लू लाइन है हमारा 20 डे का मूविंग एवरेज, और जो हमारा ये ब्लू लाइन है ऊपर वाला, ये देख सकते हैं ये है 200 डे का मूविंग एवरेज, ये हमारा है 100 डे का मूविंग एवरेज, और ये येलो लाइन है हमारा 50 डे का मूविंग एवरेज। तो ये देख सकते हैं कि 200 डे, 100 डे, 50 डे मूविंग एवरेज तीनों के तीनों सेम है, अप्रॉक्स एक दूसरे के आसपास ही है, सिर्फ जो है 20 डे का मूविंग एवरेज ये ऊपर है। तो अभी रिलायंस का जो प्राइस है सारे मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है। 200 डे का जो मूविंग एवरेज है वो है 1337, 100 डे का जो मूविंग एवरेज है 1346, और 50 डे का मूविंग एवरेज है 1343। तो देखते हैं उससे काफ़ी ऊपर प्राइस है, सिर्फ जो हमारा 20 डे का मूविंग एवरेज है वह है 1415, उससे भी ऊपर है काफ़ी। तो देखते हैं अभी प्राइस में करेक्शन का आप वेट कर सकते हैं। RSI भी कुछ खास नहीं है, RSI अभी हमारा देख सकते हैं कितना है, 57 के आसपास है। तो RSI अभी कुछ खास नहीं है, लेकिन जो मूविंग एवरेज है उससे ये काफ़ी ऊपर प्राइस है, देख सकते हैं मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर प्राइस। तो अभी आप इसमें करेक्शन का वेट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो भी आपको देखना पड़ेगा। मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्केट का जो अभी कंडीशन है उसके अनुसार अगर करेक्शन आता है तो इस स्टॉक में भी करेक्शन आएगा, तो आप इसमें करेक्शन का वेट कर सकते हैं, फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते होंगे ये सारे एनालिसिस जो आपको पसंद आए होंगे। तो अब हम चलते हैं इसके सेल्स को और इसके रेवेन्यू को देख लेते हैं, और प्रॉफिट किस तरह से मेक किया है रिलायंस उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो हमारा है, इसके सेल्स को देख लेते हैं रिलायंस के। तो मार्च 2020 का रिजल्ट आ चुका है, तो देखते हैं जो सेल्स है 1,36,000 करोड़ का, वहीं पिछले क्वार्टर की तुलना में काफ़ी कम है, क्योंकि पिछले क्वार्टर की तुलना में जो है ये बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 1,53,000 का था सेल्स, वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस करें तो उससे भी कम है। तो सेल्स में भारी गिरावट आया है, क्योंकि जो पैंडमिक सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है सेल्स पर। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो देखते हैं 6,575 करोड़ का, वहीं पिछले क्वार्टर में 11,784 करोड़। तो यहां पर देखते हैं कि प्रॉफिट में भारी गिरावट आया है, और वहीं पर जो है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस करें, मतलब जो मार्च 2019 का क्वार्टर था उसके बेसिस पे भी भारी गिरावट हुआ है। तो देखते हैं नेट प्रॉफिट में भी भारी गिरावट आया है, उसके बाद सेल्स में भी गिरावट आया है, लेकिन इस क्वार्टर को, इस पैंडमिक सिचुएशन को छोड़ दें तो लगातार देखते हैं यहाँ पर जो है प्रॉफिट जंप किया है, मतलब लगातार प्रॉफिट में इंक्रीजमेंट देखने मिला है। आप देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर इसको छोड़ दें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस जब भी देखेंगे तो इसका प्रॉफिट जो कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है, सेल्स भी लगातार इंक्रीज किया है। तो ये पैंडमिक सिचुएशन हर कंपनी के रिजल्ट पर इफेक्ट डाला है, तो इसको छोड़ दिया जाए तो इसका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी बेहतरीन रहा है। तो ऐसे में इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको करेक्शन वाले मार्केट प्राइस पर ये मिलता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।